आगे बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि एसआरटीसी का प्रोटेस्ट हुआ है, हाथ में बैनर है, सरकार है कि सुनती नहीं और घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, ये प्रोटेस्टर कह रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीर कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं, जब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल जानकारी बड़ी है और इन तस्वीरों को आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि 5 के 5 प्रोग्राम में आपसे जुड़ी हुई खबर हम दिखाते हैं। हमारा वादा रहता है कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ होता है, विकास की कैसी तस्वीर होती है, वो हम आपको थोड़ी देर में जरूर दिखाएंगे। लेकिन प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कुछ कहते हैं ये लोग, सबसे पहले आप सुनिएगा, उसके बाद अपने संवाददाता का रुख करेंगे और वो हमें बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर उन्हें क्या सिचुएशन देखने को मिली है। लेकिन क्या कुछ कहा गया और प्रोटेस्टर की तरफ से आप सुनिएगा। दुनिया भर के मेहनत कशोलिडेटेड मुलाजमीन को जेके एसआरटीसी के मुलाजमीन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज हमने प्रोटेस्ट यहां पे किया है। इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरकार को लिखित में दे दिया कि हमारी इस वक्त 4 महीने की तनख्वाह नहीं है, जो मुलाजमीन पिछले 14 साल से कंसोलिडेटेड है उनको 8 साल के बाद रेगुलर होना था, अभी तक वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन है 2019 से उनको रिटायर्ड बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, और सरकार से हमने बारहा कहा कि आप हमारे मामलात को हल करें। वो नई गाड़ियां लाने के लिए पैसा तो देते हैं लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए पैसा नहीं। 7th पे कमीशन नहीं है, 6th पे कमीशन में भी 57% डीए कम है। हम मोदी जी से जो 24 तारीख को यहां दौरा करने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, आफ्टर एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने ही हैज अनाउंसड ऑन नेशनल हुकअप दैट ही विल ट्रीट एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉयज ऑफ द सिटी एटन इक्वली विद अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया। मगर उसके बाद उल्टा यह हो गया कि हम तनख्वाहों से ही महरूम हो गए। हम ऑनरेबल पीएम साहब जो 24 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं वो मेहरबानी करके कॉरपोरेशन के मुलाजमीन एसआरटीसी के मुलाजमीन के हाल पर रहम करे और इनके हमारे बारे में कुछ ना कुछ करे और इंटरवीन करे, क्योंकि हम थक गए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, कमिश्नर सेक्रेटरी, एडवाइजर, जितनी अथॉरिटीज यहाँ पे है उनके पास गए, उनको लिखित में दे दिया, प्रोटेस्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो सुनने वाले नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास चक्का जाम, हड़ताल और जदोजहद में तेजी के अलावा और कोई रास्ता। साहिल इकबाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका आभार, आपने समय दिया। साहिल क्या आप जानकारी देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि चक्का जाम आगे आने वाले दिनों में करा जाएगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी करते हुए ये लोग नजर आए हैं कि मोदी साहब के सामने भी हम इस बात को रखेंगे। तो ये प्रोटेस्ट क्या आज ही के दिन किया गया है, इससे पहले भी सड़कों पर उतरा गया था? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि चक्का जाम या हड़ताल या बंद करने की कॉल, ये कोई नई बात नहीं है कश्मीर में, क्योंकि हम आए दिनों इस तरह की खबरें करते रहते हैं और आए दिनों हर छोटा बड़ा कोई डिपार्टमेंट जो है वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख करता नजर आता है, जहां पर वो इस तरह के दावे करते हैं कि उन्होंने जी तक पहुंचाते हुए या अलगता की जो अफसरान है उन तक पहुंचाते हुए, लेकिन उनकी जो डिमांडे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है और उसका कोई हल नहीं निकलता है। और बहुत सारी जमातें इससे पहले भी यहां पर आ चुकी हैं, और पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करते हैं तो लगातार वो ये बात तक कहते नजर आते हैं कि अगर उनकी डिमांडें एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं सुनी गई, पूरी नहीं की गई, तो वो चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे और फिर इंतजामिया जो है इसकी जिम्मेदार होगी। और इसी तरह का ये आज का जो प्रोटेस्ट अभी आप दिखा रहे थे, ये आज बिल्कुल आज हुआ है, और सिर्फ न सिर्फ आज हुआ है बल्कि पिछले कुछ एक महीनों या यूं कह लें पिछले कुछ एक सालों से ये लोग लगातार इस तरह से इसी तरह से एहतजाज करते नजर आते हैं और यहाँ पर ये धरना देते नजर आते हैं, और आज भी इन्होंने इसी के खिलाफ इसी तरीके से जो है चलते हुए एक बार फिर से ये धरना जो यहाँ पर दिया था, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी जो है डिमांडें कबूली जाए, पूरी की जाए, ताकि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है इसलिए हमारा संपर्क सही से साहिल से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने खबर आपको बता दी है कि किस लिए ये
जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है और तस्वीर आपके सामने है। अगर मेरी आवाज पहुंच गई है साहिल आपके पास तो इस सवाल का और जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि आप बता चुके हैं किस वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कितने महीने की सैलरी अब तक नहीं आई है, क्योंकि जब हम सुन रहे थे तो वो कह रहे हैं कि 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं आई है, तो कैसे घर बार इनका चलता है जब सैलरी नहीं आ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देना है, घर चलाना है, कैसे घर बार ये लोग अपना चला रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो कई सालों से हो रहा है। जी जी बिल्कुल हर्ष, ये आज ही की बात नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसी तरीके से अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, अगरचे कहने को उन्हें वो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज हैं लेकिन उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो जो है या तो किसी बैंक से कर्जा लेकर अपना कारोबार अपना घर का जो है कामकाज चला रहे हैं और या किसी साहूकार से कर्जा लिया हुआ है तो अपने जो घर का खाना पीना है या गुजर बसर जिसको हम कहते हैं वो कर रहे हैं। और बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट की खासतौर पर बात करें तो इस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि पिछले 6-7 महीने से उन्हें तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अगर इस ईद पर यानी जो आने वाले दिन है या ईद पर माह रमजान का जो है महीना चल रहा है और इस महीने में काफी ज्यादा खर्चा होता है और उनका कहना है कि इस महीने भी अगर उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया तो वो मजबूर हो जाएंगे सड़कें बंद करने पर। चलिए ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए, आप नजर बनाई रखिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में सैलरी नहीं आना वाकई चिंता का विषय है उनके लिए जो अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं ला पा रहे हैं जो डिमांड है अपने घर के लिए, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो रहा है इस त्योहार के सीजन में। हमारी अपील है कि सरकार सुने इन मुलाजिमों की, इन्हें सैलरियां दे ताकि वो अपना घर बार चला सके, अपील हम भी सरकार से करते हैं। फिलहाल